नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बात बात पर लाठीचार्ज और अपने अधिकारों के लिए उठी जनता की आवाज को कुचलना भाजपा जजपा सरकार की आदत बन चुकी है। इस सरकार ने किसान, नौजवान, कर्मचारी, पंच और सरपंच से लेकर महिलाओं तक किसी को नहीं बख्शा। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पंचकूला में प्रदर्शन कर रहे 4000 सरपंचों पर दर्ज की गई FIR को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंचायतों पर थोपी गई है ई टेंडरिंग व्यवस्था सही नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए ई टेंडरिंग के नाम पर पंचायती राज में भी भ्रष्टाचार का एक अड्डा स्थापित करना चाहती है। पंचायत प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया तो सरकार ने उनकी आवाज़ को लाठी के जोर पर दबाने की कोशिश की। पंच सरपंचों की मांग मानने की बजाय सरकार ने उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी है। सरकार के इस अलोकतांत्रिक रवैये और बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ 6 मार्च को पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी महामहिम राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेगी। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और तमाम विधायक भी मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने याद दिलाया कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्य करवाने की पूरी स्वतंत्रता और फंड मुहैया करवाए गए थे। इसी वजह से हरियाणा के प्रत्येक गांव में पक्की गलियां और तमाम विकास कार्य हुए, लेकिन भाजपा जजपा चुने हुए प्रतिनिधियों की बजाय पंचायती राज व्यवस्था को ठेकेदारों के हवाले करना चाहती है। सरकार के भीतर नई नीति को लेकर एक राय नहीं है। सत्ताधारी पार्टियों के नेता कुछ कह रहे हैं और उनके मंत्री कुछ बोल रहे हैं। हर मोर्चे पर विफल होने के चलते भाजपा जजपा में जमकर अंतर्कलह देखने को मिल रहा है। नीतिगत फैसलों को लेकर अंदरूनी विवाद बताता है कि ये सरकार पूरी तरह से दिशाहीन और विफल है। पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इसको लेकर कमेटी बनाकर या उसकी मीटिंग करके सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है। अगर वो OPS लागू करना चाहती है तो एक झटके में और एक लाइन में ये फैसला लिया जा सकता है। जिस तरह राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल की कांग्रेस सरकारों ने ये फैसला लिया है, प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर पहले ही कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों को OPS का लाभ दिया जाएगा। चंडीगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। लाठीचार्ज हुआ, सरकार ने बुलाया भी और सीएम साहब अब 9 तारीख को मिलने का समय दे चुके हैं। आप लोगों ने भी एक ज्ञापन देने की बात कही है, किस तरह का मुद्दा उठाएगा विपक्ष? देखिए, ये जो सरकार है समाधान नहीं निकालती किसी भी चीज का, और लाठी और गोली से सरकार चलाना चाहती है। प्रजातंत्र में लाठी गोली से नहीं चलती, आपस में बातचीत से और समाधान निकाले जाते हैं। ये सरकार का कोई देख लो, कोई बात होगी तभी लाठीचार्ज, चाहे कोई भी वर्ग हो, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा। इसी प्रकार से जब ये बैठे हैं जब पंचायती राज वाले सरपंच वगैरह, इनके ऊपर लाठीचार्ज। भाई, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, तो ये बड़ी निंदनीय है। और इसी वास्ते हम सारे विधायक दल और हमारे पार्टी के प्रधान 6 तारीख को गवर्नर साहब से टाइम मांगा है हमने, 6 तारीख को मिलेंगे सोमवार को हम, और इस बात पे कहेंगे भी ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है ये सरकार में सिवाय घोटालों में। अब ई टेंडरिंग का क्या मतलब है? ई टेंडरिंग का मतलब पहले 2 साल तो पंचायत के इलेक्शन निकलाए, अब हो गई तो भाई इलेक्टेड बॉडी है ये, इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। लोगों में चुने हुए, हम भी तो लोगों में चुने हुए हैं, तो लोगों के चुने हुए इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये तो ऐसा कर रहे हैं जैसे पहले की सुई नजर वो चला रहे हैं, उनको काम करने दे। पहले भी होता रहा, हमारे समय में इतने अच्छे काम हुए, कोई एक भी गली कच्ची नहीं है हमारे समय में भी। पंचायतों को पूरा अधिकार था, वही अधिकार होना चाहिए। अब बोला है सीएम साहब ने कि भाई पंचायतों में जो है पंचायत की तो चलेगी, सिर्फ सरपंचों की नहीं चलेगी, समझाएं हमें। ई टेंडरिंग में कोई दिक्कत है तो मैं सुनने को तैयार हूँ। बहुत दिक्कत ही है, एक एक घोटाले को अंजाम देंगे, जो मर्जी पोर्टल चला दो, जो मर्जी बंद कर दो, और अपनी चॉइस के ठेकेदार होंगे जो उनके गिनती के वो होंगे ऐसे, तो ये नहीं है, बात गलत बात है, ये उनको तुरंत वापस लेना चाहिए। और पंचायत सरपंच हो, मेम्बर पंचायत हो, पंचायत इलेक्टेड बॉडी है, उसको पूरा अधिकार होना चाहिए। सरपंच भी जो है मुखिया है पंचायत।
सर, और इस मामले में सर एक चीज और जरूर आपके संज्ञान में आपसे सवाल या रिएक्शन लेना चाहेंगे। एक दो चीजें हैं, एक तो ई टेंडरिंग को लेकर विवाद है, एक जो मंत्री है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को लेकर खुद उनकी पार्टी के लोग निर्दलीय विधायक ये कह रहे हैं कि भाई शुरू में ही जो तीखे बयान आ गए ई टेंडरिंग से ज्यादा तो बबली ने बिछड़ा दिया या इनको फैला दिया, सरपंचों को शुरू में ही ज्यादा वो कर दिया, मुखर होने के लिए मजबूर कर दिया। पता नहीं उनकी पार्टी का प्रधान कुछ कहता है, ये मंत्री कुछ कहता है, दूसरे कुछ कहते हैं, सब ज्यादा मामला नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है, उनकी डायरेक्शनलेस सरकार है, डायरेक्शनलेस। और पंचायत मंत्री तो इतना प्रखर होकर बोल गए कि धनखड़ साहब के बारे में, आपके बारे में, अजय चौटाला साहब के बारे में कि भाई उनको अपना काम देखें, संगठन हम चलाएंगे। मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट है, कोई डायरेक्शन ही सरकार का, डायरेक्शन एक हो तो उसमें कोई भी होगा, कोई लाइन लेनी पड़ेगी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ओपीएस की आज मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ आज चंडीगढ़ में सर, उसके लिए ये कहा गया ओपीएस के जो प्रतिनिधि गए थे कि भाई तैयारी पूरी नहीं थी, हम बार बार मिलेंगे लेकिन समाधान अभी नहीं निकला। नहीं, सवाल इस बात का मीटिंग की जरूरत क्या है, वो तो एक लाइन का फैसला है भाई, हम ओपीएस देंगे, ये सिर्फ जो है इनके समय पास करने की बात कर रहे हैं, नहीं तो सरकार का फैसला, हमारी सरकार अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में यही फैसला किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री ने आपको विधानसभा में घेरने की कोशिश की थी, आपसे पूछा था वहीं विधानसभा पटल पे कि हुड्डा साहब ये बताइए कि ये बंद किसके राज्य में हुई थी? ये अटल बिहारी जी के समय में हुई थी और फिर सब कांग्रेस ने किया था, बीजेपी की सरकार में यहाँ हुई थी राजस्थान में, तो कांग्रेस ने अपलोड कर दी। एक चीज का तजर्बा है, वो तजर्बा ठीक नहीं है, फैसला होल्ड करना चाहिए। सर ओवरऑल एक आखिरी कमेंट जरूर सर, तीन चार तरह के विषय हैं बीच बीच में उठते रहते हैं प्रदेश में, क्योंकि जो बीजेपी सत्ता वालों से बात करो वो कहते हैं कि जो इलेक्शन ईयर होता है ना, लास्ट के एक दो साल होते हैं, तो इस तरह के आंदोलन विपक्ष चलवाता है, जिस तरह से डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं लेकिन ये तो होता ही है कि लास्ट के दिनों में आंदोलन ही आंदोलन होते हैं। सरकार बताइए कि ये बंद किसके राज्य में हुई थी? ये अटल बिहारी जी के समय में हुई थी और फिर सब कांग्रेस ने किया था, बीजेपी की सरकार में यहाँ हुई थी राजस्थान में, तो कांग्रेस ने अपलोड कर दी। एक चीज का तजर्बा है, वो तजर्बा ठीक नहीं है, फैसला होल्ड करना चाहिए। सर ओवरऑल एक आखिरी कमेंट जरूर सर, तीन चार तरह के विषय हैं बीच बीच में उठते रहते हैं प्रदेश में, क्योंकि जो बीजेपी सत्ता वालों से बात करो वो कहते हैं कि जो इलेक्शन ईयर होता है ना, लास्ट के एक दो साल होते हैं, तो इस तरह के आंदोलन विपक्ष चलवाता है, जिस तरह से डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं लेकिन ये तो होता ही है कि लास्ट के दिनों में आंदोलन ही आंदोलन होता है। इस सरकार की, बीजेपी जेजेपी की सरकार की विफलता का एक वो है, लोगों में बड़े भारी रोष है, कोई भी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है, और जो मैनिफेस्टो लेकर आए थे, अब देखो ना जब ये इनका गठबंधन बना उस टाइम ये कहा था हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देंगे, वो कहाँ है, कौन सा भाई, आज तक तो कोई दिया नहीं ना प्रोग्राम। आपके साथ 30 विधायक हैं, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, एक और पार्टी है जो दिल्ली में और पंजाब में सत्ता में बैठी है, वो अपने प्रोग्राम निकाल रही है, वो ये दिखा रही है कि भाई हम विपक्ष से ज्यादा, वो क्लेम करती है कि हम विपक्ष से ज्यादा होकर तमाम जो मुद्दे हैं हम उठाते हैं। वो तो हरियाणा में पता लग गया इनकी क्या है, आदमपुर से पता लग गया, एक चुनाव हुआ है तो सबको पता है, उसके कोई नहीं, लोग केवल अल्टरनेटिव कांग्रेस पार्टी के होते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।